हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मम्मीज़ व्लॉग में आपका बहुत स्वागत है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पनीर के स्टफ पराठे बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो मैंने ये आटा गूंद लिया है। ये नॉर्मल आटा है फ्रेंड्स, एकदम आप देखिए एकदम सॉफ्ट आटा है। इस तरह से प्रेस हो रहा है, अच्छी तरह से गूंद के और उसके ऊपर तेल लगा के रख दिया है 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए। और ये मैंने पनीर लिया है, पनीर को मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है। इस तरह से मैंने ये ग्रेट कर लिया है पनीर। और ये सूखा आटा पराठे के लगाने के लिए लिया है। और ये हरी मिर्च और हरा धनिया को बारीक बारीक कटिंग कर लिया। और ये तेल में हम पराठे बनाएंगे। और ये रूटीन मसाले हैं फ्रेंड्स, जब मैं मसाले डालूंगी अभी बताऊंगी। तो अब हम पराठा बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ये ग्रेट कर दिया है पनीर को। अब इसके अंदर मैं पहले हरा धनिया और हरी मिर्च बारीक जो कटिंग करी हुई है वो डालती हूँ। और अब इसके अंदर ये नमक थोड़ा कम डालेंगे, क्योंकि पनीर में नमक होता है। नमक डाल दिया और ये थोड़ी लाल मिर्च थोड़ी कम डालेंगे। और इसके अंदर थोड़ी मैं अमचूर डालूँगी, ये अमचूर है फ्रेंड्स। आप नींबू भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। तो मैंने अमचूर डाली है, बस मैं सिंपल मसाले ही डाल रही हूँ। और अब मैं इसे मिक्स करूंगी, मिक्सिंग बॉल में मिक्स करेंगे। और इसे एक दो मिनट के लिए रखे रहने देंगे, ताकि अच्छी तरह से मसाले मिक्स हो जाएं। और अब हम पराठा बनाएंगे, उसमें स्टफ करेंगे। ये पहले हम लोई बना लेते हैं। तो लोई में बराबर साइज की बना रही हूँ फ्रेंड्स। ये मैं इस तरह से पहले मैं दो लोई बना लेती हूँ। इस तरह से प्रेस कर देंगे और इस तरह से ये सूखा आटा लगाएंगे। इस तरह से प्रेस करेंगे इसे और इस तरह से बेल देंगे। ये थोड़ा मोटा पराठा ही बनेगा, तो मोटा पराठा बनने से ये अच्छा सीखेगा और स्टफिंग भी बाहर नहीं निकलेगी। तो इसमें अब हम स्टफिंग भर रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, इस तरह से जितने इसके अंदर आ सकती हो उतनी भरिए। और इस तरह से प्रेस करा और इस तरह से भर दिया और इस तरह से उल्टा करके फिर प्रेस कर दिया और इसे हम बेलेंगे। थोड़ा सा ये मोटा ही बेलेगा तो फिर सिकने में भी अच्छा रहेगा फ्रेंड्स। ये मैंने आपको बेल के बता दिया है। थोड़ी पनीर की स्टफिंग दिख रही है इसमें से। अब मैं इसे सेकती हूँ, तवा गर्म होने रख दिया है मैंने। अब मैं आपको एक और पराठा बना के बताती हूँ। ये बिगनर्स के लिए बना रही हूँ, जिन्होंने अभी अभी खाना बनाना सीखा है। तो ये स्टफिंग इसमें डाल रही हूँ फ्रेंड्स। उनसे ये चूक हो जाती है कि उनकी स्टफिंग निकल जाती है। अभी वो नया नया खाना बनाना सीख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया, फिर इस तरह से फोल्ड कर दिया और फिर इसको इस तरह से कर दिया।
और इधर भी इस तरह से कर दिया, तो ये स्टफिंग निकलेगी भी नहीं। और इसको फिर उल्टा करके और हम दे लेंगे इस तरह से, तो इस तरह से आसानी हो जाएगी उनको। और ये बिगनर्स के लिए पराठा बना के मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको सेक के बताऊंगी। अब ये गोल वाला पराठा मैं इसके अंदर, ये कभी स्टफिंग निकल जाती है अगर आपकी, तो आप थोड़ा सा सूखा आटा लगा सकते हैं फ्रेंड्स। ये मैंने सूखा आटा लगा दिया है, इस तरह से निकलती नहीं है, एक्चुअली चिपक जाता है कभी चकले से, तो आप इस तरह से अब सेकेंगे। अब ये मीडियम गैस पे मैं सेक रही हूँ, ये 2-3 मिनट में नीचे से ब्राउन होने लगेगा, तब हम इसे उलट देंगे। फिर हम ये दूसरा पराठा बनाएंगे। ये नीचे से सिक गया है, अब इसे हम उलट देंगे, गैस को थोड़ा धीरे कर देंगे और इसके ऊपर हम तेल लगाएंगे। गैस मीडियम रखेंगे, इसे इस तरह से प्रेस करते रहेंगे। प्रेस करने से क्या है कि ये जल्दी जल्दी अच्छा सा ब्राउन हो जाएगा और हर तरफ से सिकेगा। इसे इस तरह से थोड़ा सा घुमाएंगे और प्रेस करेंगे। गैस मीडियम कर देंगे, अगर तेज है तो थोड़ी सी लो कर दी थी मैंने, अब मैंने मीडियम कर दी है। और इस तरह से हम चारों तरफ से सेकेंगे। फिर इसे हम उलट देंगे इस तरह से, और दूसरी तरफ भी अभी 1-2 मिनट में सिक जाएगा। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा पराठा सिक गया है। अब इसे हम नैपकिन पेपर पे इस तरह से निकाल लेंगे और दूसरा पराठा भी मैं इस तरह से डाल देती हूँ। ये दूसरा पराठा भी इस तरह से डाल दिया, फिर गैस तेज कर देंगे, पहले धीरे कर दी थी हमने, और इस तरह से सेकेंगे। 2-3 मिनट में ये नीचे से ब्राउन हो जाएगा, फिर हम इसे उलट देंगे। ये नीचे से देख लेते हैं ब्राउन हो गया है, अब इसे उलट दिया और अब इसके ऊपर हम तेल लगाएंगे। आप घी भी लगा सकते हैं, तेल भी, कुछ भी लगा सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा करारा क्रिस्पी पनीर पराठा बनाया है, आप देखिए इतना अच्छा बना है, इतना अच्छा सिका है, कहीं से भी स्टफिंग निकल नहीं रही है। मैं अभी आपको सर्व करके बताती हूँ। इसे मैंने 2-3 मिनट सेका था, थोड़ा मीडियम गैस पे, फिर थोड़ा लो कर दी, फिर वापस मीडियम कर दी। इसी तरह से ये करारा होता है और ये बहुत इजी है, आप आराम से इसे बिगनर्स भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये पनीर के पराठे, स्टफ पनीर आपको दिख जाएगा। मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए स्टफिंग, इसकी पनीर की स्टफिंग आपको दिख रही है फ्रेंड्स, और ये बहुत क्रिस्पी बने हैं।
बहुत मस्त बने हैं फ्रेंड्स ये पनीर के पराठे, आप भी बनाइए, बच्चों को भी पसंद आएंगे, सबको घर में पसंद आएंगे, और कोई गेस्ट आए तो भी सर्व कीजिए। तो इसके साथ मैंने आपको बता दूँ मैंने क्या क्या लिया है। ये मैंने दही लिया है, इसमें मैंने भुना हुआ जीरा डाला है और नमक मिर्च डाले हैं, सिंपल दही है फ्रेंड्स। और ये मैंने आज मिर्च के टपोरे बनाए थे वो भी लिए हैं, और ये धनिया की चटनी, और ये सलाद खीरे का। तो आप इसके साथ कुछ भी ले सकते हैं, कोई अचार वगैरह कोई भी सब्जी आप ले सकते हैं। तो ये पनीर के पराठे आप बनाइए खाइए, स्टफ पनीर के मस्त लगेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय फ्रेंड्स, बाय।